अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सेवन्थ क्लास का, इतिहास का। ये देखिए हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत के बारे में, 1206 से 1526 ईस्वी तक जिनका शासन रहा था। अब देखिए इसमें जो दिल्ली सल्तनत है, इसमें जो इसका इतिहास जो है, ये अध्याय कि इसके नाम से, दिल्ली सल्तनत के नाम से विख्यात है क्योंकि इस काल के दिल्ली के तुर्क शासक जो थे वो सुल्तान कहलाते थे, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात कन्नौज का जो शासक है वो जयचंद गौरी से पुरस्कार पाने का इच्छुक था, और परंतु गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर जयचंद को मौत के घाट उतार दिया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई और भारत के सिंहासन पर उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया। अब देखिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में देखिए पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, इसको आप ध्यान रखें। डेट्स जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा था, खिलजी वंश का 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश का 1320 से 1414 ईस्वी तक, सैयद वंश का 1414 से 1450 ईस्वी तक, और लोधी वंश का जो शासक है वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, अब देखिए गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली के प्रारंभिक शासन जो शासक जो गुलाम वंश के थे, उन्हें गुलाम वंश इसलिए कहा जाता था क्योंकि या तो वो गुलाम थे या उन गुलामों के पुत्र थे जो सुल्तान बन गए थे। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। वह एक न्यायप्रिय और दानी राजा था। उसने हिंदू तथा मुसलमानों में बड़ी मात्रा में धन वितरित किया। वह एक भवन निर्माता भी था। दिल्ली में कुतुल जो इस्लाम मंदिर मस्जिद है और अजमेर में ढाई दिन का जो झोपड़ा है ऐबक द्वारा निर्मित है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया जो पूरा ना हो सका, उसे उसके प्रिय गुलाम जो शासक है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। 1210 ईस्वी में उसकी अपने ही घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इल्तुतमिश, शमसउद्दीन जिसे इल्तुतमिश कहा जाता है, 1211 से 1236 ईस्वी तक जिनका शासन रहा था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। उसने अपनी योग्यता के बल पर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। सुल्तान उसे बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश के साथ उसने कर दिया था, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है आराम शाह गद्दी पर बैठा और वो इतना दुर्बल सिद्ध साबित हुआ कि उसके दरबारियों ने ही इल्तुतमिश को ऐबक का उत्तराधिकारी चुना और सिंहासन पर, मतलब दुर्बल सिद्ध हुआ, साम्राज्य को नहीं संभाल सका, फिर दरबारियों ने इल्तुतमिश को ऐबक का उत्तराधिकारी चुना और सिंहासन पर बैठा दिया। अब देखिए इल्तुतमिश जो है उसकी उपलब्धियां, दिल्ली को उसने अपनी राजधानी बनाया था, चांदी और तांबे के उसने मुद्राएं भी चलाई, उसने बल प्रयोग करके पंजाब बिहार बंगाल जीत लिया, अपनी बुद्धि के बल पे मंगोलों को क्रूरता से बचाया और उसके कारण ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, जिसने दिल्ली को फिर से संगठित किया। उसने लाल पत्थर का मकबरा और बदायूं में जो मस्जिद है उसको भी बनवाई और उसकी जो मृत्यु है वो 1236 ईस्वी में बन गई हो गई थी। नेक्स्ट है देखिए रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना 1236 से लेके 1240 ईस्वी तक रही थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। उसमें एक शासक के सभी गुण थे। वो एक पहली महिला थी, ध्यान रखिए बच्चों, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। योग्य और सफल नेतृत्व था उनमें। पुरुषों की तरह पोशाक पहनती थी, घुड़सवारी करती थी, दरबार लगाती थी, लेकिन तुर्क सरदारों को ये पसंद नहीं था कि एक लड़की एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। फिर उन्होंने षड्यंत्र रचकर 1240 ईस्वी में उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्ताना का शासक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद, वो इल्तुतमिश का बेटा था। लगभग 6 वर्ष की आंतरिक कलह के बाद उसने दिल्ली सुल्तान जो सल्तनत है उसकी गद्दी संभाली। एक सज्जन और धार्मिक महान व्यक्ति था। उसका झुकाव जो है वो भक्ति की तरफ ज्यादा था, तो उसका सारा कार्य जो है वो प्रधानमंत्री जो बलबन है वो देखता था। 1266 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर ग्यासुद्दीन जो बलबन है वो 1266 से 1286 तक गद्दी पर बैठा।
उसने देखिए उसने दूसरा गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक था, उसने मतलब बैठते ही गद्दी पर शक्तिशाली बना दिया राज्य को, बहुत सारे उपाय किए, 40 गुलामों के दल को समाप्त कर दिया और विद्रोहों को कुचल दिया, बलबन की कानून व्यवस्था शांति साम्राज्य की स्थापना की। और फिर उसने देखिए सन 1286 में बलबन का कत्ल कर दिया गया और उसकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश का दीपक सदैव के लिए बुझ गया। अब देखिए गुलाम वंश की विशेषताएं क्या थी कि इसे लाल बक्स में जानी जाती थी, बहादुर वफादार था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने केवल 4 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ने लगभग 26 वर्ष तक शासन किया था। वह पहला सुल्तान था जो अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया, जो कि बाबर के आक्रमणों तक राजधानी बनी रही थी। उसने सल्तनत के प्रतिद्वंद्वियों का दमन किया था, खलीफा नमरुद्दीन मोमिन की पदवी ग्रहण की थी उसने, 40 तुर्कों का संगठन वे एकता प्रणाली, उसने जो है इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों के दल को संगठित करके उन्हें सेना में उच्च पदों पर बैठाया। ये गुलाम वंश के थे और मुख्य सलाहकार भी थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सभी 40 तुर्क शक्तिशाली हो गए थे।